फैमिली बेलकम टू माय चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मुझे एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ मस्त हूँ। मैं आप लोगों के सेवा से ठीक हूँ। अभी नाइट का समय में मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में होता नहीं है। क्योंकि एक तरफ बच्चा देखो, दूसरे तरफ घर साफ करो, तीसरे तरफ नाश्ता बनाओ, बच्चों को नहला धला रेडी करो, इस सब में हम बिजी हो जाते फ्रेंड, इसलिए होता नहीं है। तभी रोहित जी वो बोले कि अच्छा मैं काम तरफ कुछ भी खाई नहीं है, खाली नाश्ता किया था, रोटी जो 6 रोटी खाए थे, उसके बाद से दोपहर में चावल नहीं खाए थे, इसलिए तो 3 रोटी 3 रोटी ओ माय गॉड, सिर्फ 10 बजे 3 रोटी खाए थे, उसके बाद दोपहर तक रोटी सब्जी नहीं खाई। इनको हम बोलते हैं कि हम खाना वाना बना के हम पैक करके भिजवा देंगे उनको, तो वो भी नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि खुद आ जाइए खाने के लिए, वो भी नहीं बोलते, तो क्या बोले। तो इसलिए अभी ये खा रहे क्या मैगी, पानी वाला मैगी खा रहे ना, खाली पानी में बॉईल करके दे दिया इनको मैगी, तो मैगी खा रहे हैं। और मेरा भाई भी मैगी खा रहा है, मैं हम भी नहीं खाए फ्रेंड, बोले कि वो खाने लिए। उसके बाद फिर हम किचन में जा रहे हैं, किचन में अभी हम जो है सब्जी बना रहे हैं। माय गॉड मेरी पानी डल चल गया फ्रेंड, मेरे ब्लॉग स्टार्ट करते करते। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरा से हम क्या बना रहे हैं सब्जी में, टेस्टी टेस्टी ये में लिखने के बाद बोले फ्रेंड क्या घट गया मेरे घर में। बोले टमाटर फ्रेंड, टमाटर टमाटर के बिना सब्जी अधूरी से लगता है कि ना फ्रेंड, बोलिएगा। मैं तो बिना टमाटर का सब्जी एक चीज भी अच्छा नहीं लगता, टमाटर मिले रहने से अच्छा लगता सब्जी, और टमाटर बिन टमाटर वो सब्जी थोड़ा भी पसंद नहीं है फ्रेंड। चलिए आप लोग दिखाते हैं बैक में सब बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। मेरा चावल बन के रेडी हो गया, बस उसको हम पानी को हटा देंगे चावल पानी को। और यहाँ पे मेरा रिफाइंड तेल जो पूरा जल चुका है, जल रहे थे, यहाँ पे सेवन मड़ी के पैकेट है, तो सेवन मड़ी का पैकेट डाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्जी नहीं बनाने वाले फ्रेंड आज हम, क्योंकि कम सब्जी बनाएंगे सोच रहे हैं। तो फिर भी सड़ गया सुबह के लिए बहुत ज़्यादा सब्जी, तो डाल देते पूरा, तो सुबह में भी कौन नहीं करे फ्रेंड क्या। तो हम फ्राई करता तेल देख सकते कितना ज़्यादा गर्म हो उसके हिसाब से, हम तो देख सकते हो ना फ्रेंड, वो ज़्यादा गर्म हो गया, तो हम डाल कर फ्राई करके हटा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तेल तेल। हाँ पिछली बनी रही मेरे बाप, इसको हम हटा लेते हैं, फ्राई हो गया, इसको हम आलू का फ्राई कर दें। तो ये हम जो आलू को काट कर फ्राई काट उट करके रखे होते हैं, यहाँ पे आलू थोड़ा थोड़ा रख लिए है, दो आलू काट करके, और आधा प्याज मतलब एक प्याज है, और यहाँ पे तेज का पत्ता डाले हैं, और इसके अंदर में मसाला पीस लिए फ्रेंड, लिया है रहा मसाला गरम मसाला ऐड करके, और ज़्यादा नहीं मसाला पीसे फ्रेंड, कम मसाला पीसे। ओ माय गॉड, मैं तो इसमें कुछ कुछ डालने ही भूल गई फ्रेंड, कैसे कि अदरक लहसुन तो भूल ही गई डालने फ्रेंड। ओ माय गॉड, अब फिर से मिक्सर चलाना होगा, क्योंकि उसका बिना तो मुझको अधेरा लगेगा। मैं जो आलू को फ्राई होने छोड़ दिया आँख कम आँच में, और यहाँ पे जो खाली हम डाल दिए हल्दी पाउडर थोड़े से, क्योंकि जो है हल्दी हल्दी कलर का थोड़ा सा पीला पीला कलर का आलू का लगे इसलिए, और यहाँ पे हम चावल से पानी हटा चुके हैं, और इतना थोड़ा चावल इसलिए बनाए फ्रेंड क्योंकि कल रात का भी चावल है यहाँ पे। अब ढक कर रखे तो मैं भाई अभी निकाला खाने के लिए, तो फिर ऐसे खुला छोड़ देता, फिर खाना को ढक लेते हैं, यहाँ पर गर्म गर्म खाना है। तो चलिए फ्रेंड, और पता है गर्म गर्म यहाँ पर मेरा टिका गया, फिर यहाँ पर तेल उछल गया, तेल मतलब चिटक गया फ्रेंड, उछल गया बड़ा सॉरी, यहाँ पर तेल उछल गई मतलब चिटक गया, देखिए ना फ्रेंड यहाँ पर फोसका तो नहीं हो जाएगा ना पानी वाला। चलिए बनी रही फ्रेंड्स, मैं अभी लहसुन और अदरक डाल के इसको फिर से पीसते हैं फ्रेंड, क्योंकि उसका बिना अच्छा नहीं लगेगा सब्जी। तो मेरा आलू फ्राई होकर निकल चुका है, तो अभी हम जो तेज का पत्ता का ऐड कर लेते हैं थोड़े से तेल में, क्योंकि ये तेल बच गया है, इसलिए हम अभी बनाएंगे सब्जी फ्रेंड। तो उसको डालने के बाद हम प्याज का ऐड कर देते हैं, और मेरा आपने कमेंट बड़ी को देख के बहुत सारा कमेंट करने वाले, तो मैंने कहा तो बनाने आता नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या करते हैं तेल गर्म का बोल के थोड़ा जल दिया है, यहाँ मेरा प्याज कम फ्राई होने चाहिए, इतना कम तेल में सब्जी बना रहे थे, और यहाँ पर अदरक लहसुन डाल के हम मसाला को पीस लिए हैं, और यहाँ पर इतना सब ढेर सारा गर्म मसाला है भुना मसाला सब। चलिए बनाते फटाफट प्याज को फ्राई होने देते फ्रेंड, आ जाए तो छोड़ कर मैं कैसे बनेगा। तो फिर आज हम बढ़ा लिए हैं, और इसका भी कोई गारंटी नहीं, कभी भी सिलेंडर ख़त्म हो सकता है। चलिए फ्रेंड बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, हो माता जी आज तो मैं तो मार खाने वाली हूँ फ्रेंड, मतलब प्याज जो नहीं गया कल जल दिया है, जरूर लगता है मेरा काट कोई डांट रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो फ्रेंड यहाँ से फिर सब मसाला जो था वो निकाल लिए हैं, तो अभी हम सब कुछ इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं, साथ ही साथ में फ्राई हो जाएगा फ्रेंड। और देख सकते हैं मेरा किधर ध्यान था फ्रेंड, तो प्याज मेरा ऐसे जल गया फ्रेंड से मैं रोना, तो हम थोड़ा सा हल्दी हल्दी भी नहीं है, हल्दी जितना है हल्दी डाल लेते हैं, तो हल्दी सर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऐड हो गया फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसे डाली हूँ तो क्या करो,
अभी यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करती हूँ आधा चम्मच, और साथ ही साथ में नमक भी एक चम्मच नमक यूज़ कर लेते फ्रेंड। नमक जीरा देने का ज़रूरत नहीं फ्रेंड। और यहाँ पे गुंडा मसाला है, गुंडा मसाला का ऐड कर लेते थोड़ा सा आधा चम्मच का, क्योंकि जीरा ऐड नहीं करेंगे पूरा जीरा का पाउडर फ्रेंड, क्योंकि हम जीरा पीसे हुए हैं मसाला में, तो इसलिए जीरा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना फ्रेंड, इसलिए तो इसको हम फ्राई होना छोड़ देते हैं। तो जब तक हल्का का तेल साइड कट ना निकल जाए तब तक हम फ्राई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। बनी रही मैं कंटिन्यू ब्लॉग पे फ्रेंड, देख सकते कि मेरा मसाला पूरा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इतना कम ऑयल में फ्राई कर लिया। तो अभी हम इसमें सब ऐड कर देते हैं। और आज तो रोहित मेरे को बहुत ज़्यादा डांटने वाले लग रहा है फ्रेंड, क्योंकि जो है हम जैसे कि देख सकते कि सब्जी का धज्जा उड़ गया है, जब मैं उड़ा चुकी हूँ तवीन वाड़ी का, बहुत मुश्किल है फ्रेंड। आज आप लोगों को जैसा आवाज़ भी सुनाई देता हूँ, मेरा बेटा रो रहा है फ्रेंड, अभी मेरा बेटा पास को भी ध्यान दे रहा है इधर भी, और लेकर साथ में बैठ नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि तेल उल टकने का डर लगता है फ्रेंड, कहीं गलती से ऐसा हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल आया है। इस वजह से फ्रेंड हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेकर थोड़ी उसको पानी डाल कर तब बॉयल होने छोड़ देंगे, ताकि तवीन वड़ी है और टिकट पक जाए बोलते फ्रेंड। तो ये मेरा मसाला के बच्चे मिक्स हो चुका है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास टमाटर नहीं है, तो बिना टमाटर का सब्जी बनाने जा रहा फर्स्ट है, पता नहीं कैसे बनेगा। तो चलिए पानी को ऐड कर दिए है और थोड़ा पानी मिक्स कर लेंगे, तो मसाला वाला खुशने को अच्छा से हटा लिया रहा फ्रेंड। तो बताइए फ्रेंड, क्या मेरे जैसे आप लोगों से भी होता है गलती, जैसे मैं गलती कर दी, बताइए फ्रेंड्स से मैं ही हूँ एक लौता लग रहा है कि मैं ही गलती करती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, सब्जी बनने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स। अभी रोहित जी नहा कर का आया, देख सकते इसको, हाँ कितना टाइम हो रहा अभी नहाया जो टाइम हो रहा है बोलो 8:40 और अभी नहाया। बताइए ये मेरे हस्बैंड को देख सकते हैं कि अभी जाके नहाए, ये कितना मस्त नींद आएगा तुमको मालूम है। हाँ ये तो सही बोला, अभी गर्मी से जाना है ना, अभी बहुत नहाएंगे। मेरा सब्जी रहा है जो जला पूरा सब्जी बनाए, दाल सब्जी निकाल ली, यहाँ पर चावल निकाले, ये को थाली में हम रोहित जी भी खा लेंगे खाना, और मेरे भाई को बोल रहे खाना खाने, बट वो बोल रहे कि नहीं खाएंगे, हम तभी में खाए तो पेट भरी भारी लग रहा तो नहीं खाएंगे बोल रहे। और मेरे रोहित जी को बुला रहे कि आइए खाना खाने के लिए, तो सुनने नहीं कर, और फ्री फायर में बिजी है दोनों जीजा साला, और बेटा मेरा पड़ा हुआ है अकेले बेचारा, खाना नहीं खा रहे। एक बात बोले, एक बात बोले, गुस्सा नहीं करो ना, मेरा ना सब्जी जल गया, देखो जल गया होगा, कल के तुम फिल्म देख रहे हो तो मैगी खा रहा हूँ तो क्या होगा, मान बना था जला जला, तुम बोलता तेरा दीदी को जा सब्जी दे, सब्जी नहीं जला, सब्जी जला नहीं, सोयाबीन बड़ी जला है बोका, जला तेरा गलती से जला, मेरा गलती नहीं तुम्हारा गलती, ठीक है नहीं तेरा गलती है, भाई बोल रहा था देखने जा, तो तब सब्जी नहीं जल रहा था, बोल नहीं समझ में आ रहा है, सब्जी नहीं जल रहा था, देख सकते फ्रेंड ऐसे ही मेरे से लड़ाई करते हैं, अभी बहस बहुत होगा, रुकिए आप लोग बने रहिए मैं ब्लॉग पे। आप लोग बोलिए ना पूरा चरचरी जैसे हम बोल रहे फ्रेंड, ऐसा गुस्सा दिला रहे, हम बोल रहे सब्जी नहीं जला, बस ये जो सोयाबीन वाली है ये जला, हाँ खाना में डाल दिए खाओ। फैमिली गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो, मुझे एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, और आज मंगलवार है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोजी का आज दुकान बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो हम तो मार्केट करने से तो जा रहे नहीं है ना जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मुसीबत है, बट कोई बात नहीं फ्रेंड, सब ठीक से पार हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसे थोड़ी थोड़ी में। और अभी मैं जो उठ गई हूँ, रोहित जी भी उठे हुए हैं, तो ये अभी रेडी हो चुके मेरा हस्बैंड जी, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, सारे काम अभी जा रहे जॉब पे काम पे, तो कितना टाइम हो रहा है सुबह का, जो इतना सुबह सुबह निकल रहा काम पे, 5 बजने वाला है, दिखा ना भाई 5 बजने पे मेरा मोबाइल है, इनका मोबाइल इतना हैंग करते हैं कि क्या बोले यार, दिख रहा फ्रेंड टाइम क्या हो रहा है, ये 4:46 हो रहा है, आप रोहित जी अभी जा रहे हैं काम पे, और ये वाला फ़ोटो अभी का नहीं है ना, बहुत पहले का फ़ोटो है, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड फोटो, तो अभी मैं जो घर का काम स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं झाड़ू कर लेती हूँ और बर्तन सब एक जगह कर लेती हूँ, और उसके बाद पोछा सुबह में, और थोड़ा सुबह होगा तभी जाकर मैं पोछा डाल लूँ, बट झाड़ू उड़ू करके रख लेती हूँ, ताकि मैं सुबह उठ कर जल्दी से पोछा कर लेती हूँ। और रोहित जी
कल मेरे से नाराज़ हो गया क्योंकि सब्जी जल गई है, सब्जी ठीक से बना नहीं था। तो आज मैं पूछ रही हूँ क्या करना है, क्या बना देंगे बोलकर पूछ रहे, तो क्या खाना बता देंगे, बना देंगे ताकि हम बना कर रख देंगे तो जल्दी से आकर खा कर सो जाएंगे, तेरा भी नींद पूरा जाए हम भी। क्या बनाओगे? फिर तो बोलिए पूछ रहे क्या बनाओगे? ऐसे मैं तो सोच रही थी फ्रेंड गोलगप्पा बनाऊंगी, तो रोई जी क्या बोल रहे वही होगा। अभी रोई जी जा रहे हैं बेटू को चुनी करने, उसको बहुत सारा प्यार करेंगे, उसको ऊपर काम के लिए निकल जाएंगे, और कितना आज से हर यार से मजे से लेके चुनिया पे चुन कर रहे हैं। देखिए हो गया, जाते आते बोलते को जाते नहीं बोलते जाते बाय बाय, अच्छा से जाना होगा। तो फ्रेंड रोहित जी सुबह में ब्रश व्रश करके मुँह धोकर फ्रेश हो चुके हैं, और बाहर का नज़ारा दिखा था अंधेरा काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। चलिए आप लोग दिखाते बैठते हो ना सब कंटिन्यू में ब्लॉग में, ये भोर का व्यू है कुछ इस तरह का। फ्रेंड बाप रे बाप क्या अंधेरा यार, इतना अंधेरा में तो कोई निकलेगा भी नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी तारा से दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है नहीं दिख रहा है फ्रेंड, अभी भी तारा से दिख रहा है। और अभी रोहित जी जा रहे हैं, अच्छा तो जाना गो, इतना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, भले मुर्गी से चिल्ला रहा कुकड़ों को बट चाबी गेट का तो फ्रेंड देख रहे बाप रे बाप, आदमी लोग सोया कोई उठा नहीं, तो हम खाली झाड़ू कर रहते फ्रेंड। रोहित जी क्या भूल गए, अंदर के सामान जो सब एक जगह कर लेते हैं, ये सामान तो क्या भूल गया था। ये हम लोग के घर का मेन गेट का चाबी है जो रोहित जी भूल गए थे, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से बंद कर दे रहे गेट ना, ठीक है आराम से जा, बाय बाय। तो फैमिली जैसे कि मैं ये रहा धोने का बर्तन, जो इतना सारा बर्तन हो गया सब धोने का है, और घर का जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम झाड़ू कर चुके हैं, तो अभी मेरा चूल्हा भी साफ़ है, बट मैं अभी चाय पीऊँगी लाल चाय बना करके, और चाय मेरे को पीना सुबह में बहुत अच्छा लगता है, एक चाय होता है एक कॉफ़ी होता है, तो आप लोगों को क्या पसंद है कमेंट कर बताइएगा सुबह सुबह पीने में। तो यहाँ पर भी देख सकते कि घर झाड़ू हो चुके, बस पोछा लगाना रह गया है, तो बस हम चाय पहले बना लेते हैं उसको देखते हैं। और फ्रेंड अभी भी जो सुबह हुआ नहीं है, 6 भी नहीं बजे अभी 5 बजे, तब से झाड़ू कर दिए, तो हम चाय बना पहले पी लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते कि क्या करना है फ्रेंड। अगर फिर बिस्तर में अगर लेट गया ना तो फ्रेंड फिर मेरे को नींद आ जाएगा, तो फिर सो जाएंगे, इस वजह से ना फ्रेंड हम सोच के चले जाएंगे तो जल्दी जल्दी झाड़ू उड़ू कर लेते। चलिए एगो काम तो ख़त्म हो गया, बस दो तीन काम रह गया, तो वो अभी हो ही जाएगा। तो अभी लगे से मेरे ब्लॉग पर बने रहे, तब हम जा रहे लाल चाय बनाने फ्रेंड, चाय पियेंगे उसके बाद ताज़ा ताज़ा मेरा जो है दिन ताज़ा दिन सुहाना से पार हो जाएगा अच्छा तरीका से। तो चलिए हम पीते हैं चाय बनाने के स्टार्ट करते फ्रेंड।